नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर राजधानी दिल्ली में 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 21,259 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक दिन के अंदर 23 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। बता दें कि यह आंकड़ा 16 जून के बाद सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25.65% दर्ज की गई है। 5 मई के बाद ये सबसे ज्यादा है। 5 मई 2021 को पॉजिटिविटी रेट 26.36% था। अब राजधानी दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 74,881 तक पहुंच गई है, जो बीते 8 महीने में सबसे ज्यादा है। 13 मई के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज दिल्ली में पाए गए हैं। 13 मई 2021 को 77,717 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा था। दिल्ली में कोरोना की इस तीसरी लहर में 24 घंटे के अंदर अब 23 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में अब कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 25,200 तक पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण होने पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो भी जल्द ही हटा ली जाएंगी। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे, और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। 20-22 हज़ार के करीब मामले और 24-25% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। लॉकडाउन नहीं लगा रहे, चिंता मत कीजिए। ये मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा। डीडीएमए की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे एनसीआर के अंदर इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी 50,796 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 4.70% है, जबकि रिकवरी दर 93.70% है। 24 घंटे में दिल्ली में 12,161 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक कुल 14,90,074 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या अभी 17,269 है, जबकि कोरोना डेथ रेट दिल्ली में 1.58% है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।